Good morning students, I hope you all are well. Today I will teach you subject areas, chapter number 16, close people wear. Class 3rd, listen carefully. India is a large country with different landforms and different climate prevailing at different places. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें अलग अलग तरह से लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट खाना खाते हैं, उनके हर तरह रहने का तरीका, खाने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका अलग अलग होता है. क्लोथ्स वॉर्न बाय पीपल आर अफेक्टेड बाय क्लाइमेट. क्लोथ्स वॉर्न बाय पीपल, जो लोगों के पहनने का तरीका होता है वो अफेक्ट करता है क्लाइमेट. ट्रेडिशन के अनुसार कपड़े पहनते हैं, कल्चर प्रैक्टिसेस एंड देयर इकोनॉमिक स्टेटस, अपने इकोनॉमिक स्टेटस के अनुसार कपड़े पहनते हैं. क्लाइमेट, जैसे अगर आपको गर्मी में कपड़े पहनने तो आप कॉटन के कपड़ा यूज करोगे और अगर आपको ठंड लगेगी तो आप वुलन क्लोथ्स यूज करोगे. नाउ सम एग्जांपल ऑफ क्लोथ्स आर साड़ी, लुंगी एंड धोती, टर्बन एंड दुपट्टा, शॉल. दे ऑल आर अनस्टिच क्लोथ्स. साड़ी वियर बाय वोमेन, लुंगी एंड धोती ये मैन पहनते हैं, टर्बन एंड दुपट्टा ये लेडीज पहनते हैं. टर्बन मैन पहनते हैं, दुपट्टा लेडीज पहनते हैं, शॉल भी लेडीज या जेंट्स कोई भी ओढ़ सकता है. ये भी अनस्टिच क्लोथ होता है. मेथड्स ऑफ मेकिंग क्लोथ, क्लोथ बनाने के तरीके. डिफरेंट फाइबर्स लाइक कॉटन, वुल, सिल्क एंड जूट आर यूज टू मेक क्लोथ. कपड़े बनाने के लिए अलग अलग तरह के फाइबर्स यूज करते हैं, जैसे कॉटन, वुल, सिल्क, जूट, इन सबसे कपड़ा बनाया जाता है. वीविंग एंड निटिंग आर टू वेज ऑफ मेकिंग क्लोथ. दो कपड़े बनाने के तरीके हैं, वीविंग एंड निटिंग. बुनाई कढ़ाई करके ही, सिलाई करके ही कपड़ों को बनाया जाता है. डाइंग क्लोथ, डाइंग इज द प्रोसेस ऑफ कलरिंग द क्लोथ. डाइंग है कपड़ों को कलर करना. ये दो तरीके से करते हैं, नेचुरल और वेजिटेबल्स डाई एंड केमिकल डाई. नेचुरल वेजिटेबल डाई वो होती है जो हम नेचुरल तरीके से करते हैं, और जो जिसमें केमिकल मिलाते हैं डाई में उसको बोलते हैं केमिकल डाई. डिजाइनिंग क्लोथ, एम्ब्रॉयडरी इज डन बोथ बाय हैंड्स एंड मशीन. ये दोनों तरीके से की जाती है एम्ब्रॉयडरी, हाथ से भी और मशीन से भी. टाई एंड डाई, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बंदेज. इसको बंदेज भी कहते हैं. इसमें कपड़े को पहले टाई किया जाता है और उसके बाद डाई किया जाता है, जिससे वो और अच्छा खिल के आता है और सुंदर लगता है. बाटिक, इन दिस मेथड वैक्स इज यूज्ड टू क्रिएट डिजाइन ऑन द क्लोथ बिफोर इट इज डाई. बाटिक में, इस मेथड में वैक्स का यूज किया जाता है. वैक्स इज यूज्ड टू क्रिएट, डिजाइन बनाने के लिए वैक्स का यूज होता है. ऑन द क्लोथ बिफोर इट इज डाई, डाई करने से पहले इसका यूज होता है. वेजिटेबल प्रिंटिंग, व्हाट इज वेजिटेबल प्रिंटिंग. वेजिटेबल प्रिंटिंग में क्या करते हैं, कोई भी सब्जी, आलू, पटेटो, लेडी फिंगर, इनको हम काट के कलर करते हैं और उसके बाद कलर में डिप करके कपड़े में प्रिंट करते हैं. ब्लॉक प्रिंटिंग, इन दिस मैथड डिफरेंट डिजाइन आर मेड ऑन अ वुडन ब्लॉक. इस मेथड में क्या करते हैं, अलग वुडन ब्लॉक बनाया जाता है जिसको लेके कपड़े, उसको कलर में डिप करके कपड़े पे प्रिंट किया जाता है, उसको कहते हैं हम ब्लॉक प्रिंटिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल. थैंक्स.